हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं एक गांव आया था, सूरत में रहता हूँ बट अभी गांव आया था, ठंडी का समय है तो गांव आया था। गांव में जैसे कि हम लोग मौरिया हैं तो खेती होती है, तो खेती का छोटा सा एक ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मेरे खेत में इस समय क्या क्या बोया गया है मैं वो आपको दिखाता हूँ, जो कि ठंडी के समय में क्या क्या होता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। और आप पूरा वीडियो देखो और लास्ट में कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और क्या क्या है, क्या क्या खेत में बोया है वो कमेंट में उसका नाम भी बताना। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेरे खेत में क्या क्या बोया गया है। फ्रेंड्स, तो खेत में मेरे क्या क्या बोया गया है और क्या क्या खेत में है सबको मैं सब एक एक करके बताता हूँ आपको, और हर पौधे का नाम बताऊंगा। पौधा भी छोटा छोटा है, आप लोग जानेंगे नहीं, लेकिन मैं सब पौधे का नाम बताऊंगा और क्या क्या है वो खेत में बताऊंगा, दिखा दिखा कर आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं, आपको एक एक चीज दिखाते हैं और आप देखो और मजे लो। फ्रेंड, ये मेरा खेत है जो कि इसमें बहुत सारी चीजें बोया गया है, जैसे कि पात गोभी, फूल गोभी और धनिया, मूली, टमाटर। सो फ्रेंड, ये है पात गोभी। पात गोभी आप जानते होंगे, पात गोभी का पौधा है, पात गोभी का खेती है ये, जो कि अभी छोटा छोटा है, अभी ये लगभग 1 से 2 महीने में बड़ा हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये है फूल गोभी, जो फ्लावर आप लोग बोलते हैं फूल गोभी, ये फूल गोभी है ये, और ये फूल गोभी है, ये इतना बड़ा है और ये अभी छोटा है। तो ये अभी छोटा है, जैसे कि ये 2 महीने में तैयार हो जाएगा तो ये 4 महीने लगेगा तैयार होने में। और ऐसे ही एक और है जो कि अभी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, आपको दिखाते हैं। ये लगभग एक मंथ में तैयार हो जाएगा ये गोभी, ये बड़ा हो गया इससे। तो आगे पीछे बोए लगाया जाता है पौधा ये, ताकि पारी पारा तैयार हो, ऐसा साथ में नहीं। सो फ्रेंड, ये है टमाटर, अभी कच्चा है, ये कुछ दिनों में पकेगा। ये टमाटर का खेती है, ये रहा टमाटर। ये है फ्रेंड्स मूली, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे अभी मूली खेत में भरा हुआ है, ये मूली है, ये मूली का खेती। फ्रेंड्स, जैसे कि ये टमाटर है, अभी इसमें छोटा छोटा सा फल लग गया है और अभी ये पका नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। और टमाटर शुरू से लगाते हैं तो ऐसा रहता है, ये टमाटर का पौधा है, अभी ये छोटा छोटा है, तो पहले ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये तैयार, ये भी टमाटर ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये गोभी आप लोग जान गए हैं, मैं आपको बैंगन की खेती दिखाता हूँ। बैंगन, हाँ बैंगन से पहले देखो ये क्या है, ये चना है, चना का छोटा छोटा पौधा, ये चना है, चना के बाद ये रहा बैंगन, ये बैगन की खेती है। देखो बैगन, ये बैगन है, ऐसे बैगन फरता है। फ्रेंड्स, ये है लहसुन, जो कि लहसुन का हरा पत्ता है, कुछ दिनों में बड़ा बड़ा इसके अंदर हो जाएगा। और ये जो छोटा छोटा सा ये है, ये गाजर है, गाजर, अभी गाजर है ये, इस खेत में गाजर बोए गए हैं, अभी दिख नहीं रहा है, कुछ दिनों में सारा पौधा जम जाएगा। फ्रेंड्स, ये है धनिया, धनिया खेती ऐसे होता है, और इसके बगल में है पालक। सो फ्रेंड्स, ये आलू का खेती, तो आलू ऐसे होता है। जो मेरे खेत में था मैं सब आपको दिखा दिया, तो आप पूरा वीडियो देखो और कमेंट जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मिलते हैं जल्द जल्द। बाय बाय।